हेलो फ्रेंड्स, मैं डेविल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट जैसे मोबाइल या फिर टीवी अगर आप ईएमआई पे खरीदना चाहते हो किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू या किसी भी वेबसाइट के थ्रू जैसे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन या फिर कोई अदर वेबसाइट, तो आप कैसे खरीद सकते हो, उसका क्या प्रोसीजर होगा, तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पर उससे पहले फ्रेंड्स, हम जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो सबसे पहला अपना जो टर्म आता है वो है नो कॉस्ट ईएमआई। तो नो कॉस्ट ईएमआई को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट जब ईएमआई पे लेते हो तो आपको इंटरेस्ट देना होता है, यानी ब्याज देना होता है। सपोज करो कि आपने कोई सामान जो है 10,000 का खरीदा, 10,000 का आपने सामान खरीदा और 6 महीने के लिए खरीदा, छः मतलब कि आप पेमेंट करोगे 6 महीने तक आप उसका जो है पेमेंट करोगे छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में। तो क्या है कि आप जो इंस्टॉलमेंट्स में जो छोटे छोटे पे करोगे 6 महीने आप लेट से दे रहे हो, 6 महीने आप 6 महीने तक टाइम लगा रहे हो, तो उसके लिए जो है चार्ज लगते हैं, आपको इंटरेस्ट लगता है, ब्याज लगता है। यानी कि वो जो 10,000 का सामान है उसको आपको करेक्ट 10,000 में नहीं दिया जाता है। हो सकता है कि आपसे 10,500, 10,400 या 10,800 इस टाइप से जो है एक्स्ट्रा चार्ज थोड़ा सा वसूल किया जाए। उसका चार्ज होता है वो कैसे देखना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो इसी में एक टर्म है नो कॉस्ट ईएमआई। नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब है कि आप जो जितने का सामान है सिर्फ उतना ही पैसा दो। अगर कोई सामान 14,000 का है तो आप सिर्फ 14,000 यानी 14,000 ही पे करो, 10,000 का है तो 10,000 ही पे करो। तो उसके लिए कुछ कार्ड्स होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट का एक कार्ड होता है फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड, और ऐसे ही एक बजाज का कार्ड होता है। तो फ्रेंड्स, उसमें भी कुछ जो है जो नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन होता है, यानी उसमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता। पर अगर नो कॉस्ट ईएमआई आपको नहीं, आप क्रेडिट कार्ड पे लेते हो या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू लेते हो, तो आपको जो है एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब होता है कि जितने का सामान है करेक्ट उतना ही पेमेंट करना, कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे ना करना। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कार्ड बनवाना पड़ता है। तो ये जो कार्ड है, जैसे मैंने आपको बताया, एक बजाज का कार्ड होता है और एक फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड होता है, और इसके अलावा भी कई सारे कार्ड्स होते हैं। तो अभी हम इसको करते हैं किनारे और अब हम बढ़ते हैं आगे कि अब हम फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजोन पे जो है हम कैसे जो है ईएमआई पे बुकिंग कर सकते हैं, यानी ईएमआई पे सामान मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले फ्लिपकार्ट पे। हम आ गए हैं फ्लिपकार्ट पे और मान लीजिए जैसे मुझे ये फ़ोन है पोको M2 Pro, इसे ख़रीदना है। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ से भी पोको M2 Pro टाइप करके सर्च कर सकता हूँ। अब पोको M2 Pro में जो ये मोबाइल फ़ोन है पोको M2 Pro आउट ऑफ द ब्लू, मैं इसे अगर सेलेक्ट करता हूँ तो आपको जो भी प्रोडक्ट खरीदना है उसको आपको पहले सर्च कर लेना है। मैं एग्जांपल के लिए पोको M2 Pro का एग्जांपल ले रहा हूँ। उसके बाद आपको सबसे पहले क्लिक करना है बाय नाउ पे। फ्रेंड्स, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे उसके बाद अगर आप इसमें से कुछ खरीदना चाहते हो तो सेलेक्ट कर सकते हो, वरना स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपको सामान जो है आप एड्रेस अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, और उसके बाद आपको जो सारी डिटेल्स है आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोडक्ट जो है 14,999 15,000 का आपका जितना भी है वो दिखाएगा। तो आपको क्लिक कर देना है कंटिन्यू पे। आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आएगा। फ्रेंड्स, पेमेंट करते समय आपको अगर ईएमआई का ऑप्शन आता है, अगर कोई आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो अगर ईएमआई का ऑप्शन आता है तो ही आप जो है ईएमआई पे उसको खरीद सकते हो। अब मुझे यहाँ पे ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल है तो मैं ईएमआई पे सेलेक्ट करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे ही मैं ईएमआई पे क्लिक करता हूँ आप देखो यहाँ पे एक है नो कॉस्ट ईएमआई, यानी इस पे किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। मेरा 15,000 का मोबाइल है तो 15,000 ही हमें देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या फिर बजाज फिनसर्व का ईएमआई कार्ड होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कार्ड है मेरे पास तभी जो है नो कॉस्ट ईएमआई, यानी हमें एक्स्ट्रा चार्ज बिना ब्याज का अगर हम इसको जो है मोबाइल फ़ोन ये खरीद सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है। अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ईएमआई आप देख रहे हो। फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे जो है डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं है। तो अब मान लीजिए आपके पास अगर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, और एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ फ्रेंड्स आप देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल आ जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं 3 महीने के लिए ईएमआई ले सकता हूँ, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, और फिर 12 महीने के लिए, 18 महीने के लिए, 24 महीने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर मान लो मैं 3 महीने के लिए इसको लेता हूँ
तो हमें हर महीने जो है 5,041 रुपये पेमेंट करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब 41, अब देखो यहाँ पे आपको ब्याज दिख जाएगा कि कितने परसेंट एनम, मतलब साल में आपको कितना परसेंट जो है ब्याज देना पड़ेगा। यहाँ पे 13% पर एनम के हिसाब से जो है हमें ब्याज जो देना पड़ेगा। ठीक है, आपको ज़्यादा जोड़ घटाना गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही यहाँ पे आओगे तो आप यहाँ पे देखो कि जो आपका चार्ज है, प्राइस जो है 14,1993 और डिलीवरी चार्ज जो है फ्री दिखा रहा है, लेकिन इंटरेस्ट जो है बैंक के द्वारा जो चार्ज किया जा रहा है 322 रुपये, यानी आपको जोड़ के बता दे रहा है कि आपको 322 रुपये एक्स्ट्रा जो है पे करने पड़ेंगे अगर आप पेमेंट जो है 3 महीने तक करते हो तो। तो 3 महीने के लिए अगर आप करते हो तो 322 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, अगर आप 6 महीने के लिए करते हो तो आपको 567 यानी 567 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। और यहाँ पे आपको रेट भी मिल जाएगा, 9 महीने के लिए अगर आप लेते हो तो हर महीने जो है आपको 1,742 रुपये पेमेंट करने होंगे और आपको जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो 877 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही आप 12 महीने 18 महीने और 24 महीने पे सेलेक्ट करके देख सकते हो। यहाँ पे जो है आप देख रहे हो इधर जो आने पे रेट जो है बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे 14% है, इधर 15% हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स अभी जो है अभी हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है डिटेल्स का, यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आप देखो कि यहाँ पे जो है मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है 1, यहाँ पे जो उसके बारे में कुछ जो है एक डिस्काउंट भी हमें मिल रहा है 200 रुपये का, तो हमें 200 रुपये यहाँ पे जो है देखो यहाँ पे 200 रुपये घटा दिया जा रहा है। ठीक है, और हमें जो है 14,799 का टोटल हमें पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप से जो है इसका कैलकुलेशन है। आप जो है तो आप ऐसे जो है EMI पे कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेते हैं कि अगर आप नो कॉस्ट EMI पे सेलेक्ट करते हो तो क्या होगा। अब जैसे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे 5,000 रुपये हमें हर 3 महीने तक पे करना होगा। यानी देखो आप यहाँ पे जो ब्याज है मेरा मतलब एक्स्ट्रा रुपये नहीं देना पड़ रहा है, 15,000 का मोबाइल है, हर महीने हमें 5,000 रुपये ही देने पड़ रहे हैं, इस पर कोई ब्याज नहीं है। आप देखो यहाँ पे किसी प्रकार का ब्याज 296 रुपये है उसको घटा दिया जा रहा है, 296 रुपये जो हो रहा है ब्याज उसको घटा दिया जा रहा है। अब 6 महीने के लिए करता हूँ तो देखो 512 रुपये घटा दिया जा रहा है, 9 महीने के लिए करता हूँ तो 782 रुपये घटा दिए जा रहे हैं, यानी आपका जो चार्ज होगा वो अब वो घटा दिया जाएगा। लेकिन आप जैसे ही 12 महीने से अधिक के लिए जाते हो, 18 महीने के लिए, उस पर जो है आपको 14% का ब्याज लगेगा। तो आप देखो यहाँ पे 1,717 रुपये जो है एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप जो है यहाँ से जोड़ घटा सकते हो और उसके बाद आप प्रोसेस, अगर आपके पास ये कार्ड है तो आगे प्रोसीड करके आप जो है नंबर एंट्री कर दोगे तो आपका हो जाएगा। अब मैं बजाज फिनसर्व EMI कार्ड से भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप 3 महीने के लिए ले सकते हो, 6 महीने के लिए। तो आप देखो जितने का मोबाइल है आपको उतना ही लगेगा, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको जो है एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये था कि आप EMI से कैसे जो है प्रोडक्ट को खरीद सकते हो।